दोस्तों आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिलायंस जियो किस तरह से आपको धोखा दे रहा है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई है कुछ आसम न्यूज़ के लिए। तो ये महीना 21 मार्च का महीना एंड होने वाला है और जैसे मैं आपको कुछ न्यूज़ के फैक्ट्स बताने वाला हूँ, कुछ टेक्नोलॉजीज़ के फैक्ट्स बताने वाला हूँ। और जो मेरी जो पहले न्यूज़ आ रही है वो है रिलायंस जियो की तरफ से। तो जियो ने अपना प्राइम मेम्बरशिप 2019 के लिए कर दिया है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना दी है। दूसरी बात आती है रिलायंस का जो अपना जो DTH था, रिलायंस डिजिटल टीवी जो हमें मिलने वाला था, उसमें दिक्कत ये है दोस्तों कि आपने जो 500 रुपये आपने जिन लोगों ने प्री बुक कर दिया है तो उनका पैसा रिफंड नहीं होगा। आपको कैसे ना कैसे ही आपको लगाना होगा। उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखी हुई थी बात, लेकिन ज़्यादा ये बात खुलकर नहीं आने वाली थी। तो मैं अभी कहूँगा कि जो बुक करने वाले हैं वो अभी बुक मत करें, वो करीबन 15 अप्रैल के बाद बुक करें, क्योंकि 15 या 20 अप्रैल के बाद बुक करें, क्योंकि तब तक रिलायंस जियो कितने घरों में लगाएगा। रिलायंस जियो की तरफ से कहा जा रहा है कि कुल 25% लोगों ने इसे बुक किया हुआ है। तो चलिए हम देखेंगे कि आया है कि नहीं, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि आप इसे बुक ना करें। अगली न्यूज़ आती है वो है डेडपूल 2 की तरफ से, और जहाँ ये R-rated मूवीज़ होने वाली है जो शायद इंडिया में सेंट्रल बोर्ड सर्टिफिकेट जानिए कि नहीं दे। दूसरी बात मैं आपको फेसबुक के लिए ले जाऊँ कि फेसबुक ब्लू क्यों है। तो फेसबुक ब्लू इसलिए है क्योंकि जो मार्क जुकरबर्ग था उनको लाल और ग्रीन कलर अच्छे से नहीं दिखता था, कलर ब्लाइंडनेस। उनको जो सबसे अच्छा कलर दिखता था वो था ब्लू, इसलिए उन्होंने फेसबुक का कलर ब्लू रखा हुआ है। और अब फेसबुक एक थम्स डाउन बटन भी लेके आने वाला है जो कमेंट्स के लिए होगा। अगली न्यूज आती है वो है कि एक डब्लू चैट नाम का एक ऐप है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वी चैट की तरफ से दोस्तों, शायद मुझे अभी वो ऐप नहीं मिल रहा है, लेकिन एक ऐप है डब्लू चैट जो आपके जो क्या करता ना है कि आप लोग जो ऐप्स उसमें मतलब आपके व्हाट्सअप का सारा डेटा वो लीक प्राइवेसी कर वो दूसरे को भेज रहा है, और वो आपको ये दावा करता है कि जिसने भी आपको ब्लॉक किया है वो आपको अनब्लॉक कर देगा और उसकी सारी गतिविधियाँ आपको पता चल जाएंगी। तो ये ऐप निकाल कर फेंको बाहर, क्योंकि एप्पल ने ऐप स्टोर से पहले ही निकाल कर फेंक दिया है। अब प्ले स्टोर कब फेंकेगा, शायद लगता है फेंक ही दिया है, लेकिन अभी उसकी गारंटी मैं पूरी नहीं दे रहा हूँ। जो अगली फैक्ट्स निकल के आती है वो ये है कि अगर आपके मोबाइल में जियो का सिम है तो आप जियो सिक्योरिटी ज़रूर रखें, क्योंकि ये जो है आपकी मॉनिटर्स करेगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि आपके मोबाइल को थोड़ा स्लो बना सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से वेब प्रोटेक्शन रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में पूरी तरह से बताऊँ तो आप कमेंट कर दीजिए। और अब जियो की तरफ से आने वाला जियो जूस, तो नाम लेकर तो पहले फ़नी लग रहा है, लेकिन जियो जूस जो है दोस्तों मुझे लगता है कि अप्रैल फुल है कल, तो अप्रैल फुल बनाने के लिए है लोगों ने ये जियो जूस का कॉन्सेप्ट रखा है, लेकिन पता नहीं है जियो जूस आएगा कि नहीं आएगा। जो अगली बात निकल कर आती है वो है ब्लॉटवेयर, रिमूविंग ब्लॉटवेयर को लेकर। और यह है कि आप अपने मोबाइल को बिना रूट किए भी ब्लॉटवेयर को हटा सकते हैं। जिनको नहीं पता कि ब्लॉटवेयर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉटवेयर और कुछ नहीं होता है, बस एक कुछ ऐप्स होते हैं वो प्री इंस्टॉल आपको मिल जाते हैं। जैसे मुझे ये क्रोम मिल गया, ये मेरे मोबाइल को स्लो बना रहा है तो मैं इसे हटाना चाहता हूँ, तो मैं नहीं, ये ब्लॉटवेयर होता है। जो कंपनी जो मतलब मेरा मोबाइल पैनासोनिक का है, तो पैनासोनिक गूगल के साथ डील करेगी और वो उससे कहेगी कि हम तुम्हारा ऐप अपने मोबाइल में प्री इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद ये कुछ पैसे लेगी। तो ये हर मोबाइल वाले करते हैं। अगर आपको इसको हटाना है तो मैं जल्दी एक वीडियो लाऊँगा इसके ऊपर। तो चलिए ये है। और जो मैं अगली वीडियो जो अगली बात है वो है MCUC को लेकर, जो मार्वल कंटेस्ट ऑफ चैंपियंस में कितने लोगों का अकाउंट बैंड हो चुका था। तो अभी कबाम ने कुछ अनाउंस किया है कि कुछ अकाउंट्स जो हैं उनको मार्वल खोलेगा, लेकिन उनको मार्वल तब खोलेगा जो मतलब जो लोग जिस तरह से हैकिंग करते हुए पकड़े गए थे। जैसे कुछ लोग लाइबर्नी ऑफ लेजेंड्स हैक करके खेल मोड एपी के खेले थे, तो उनका लाइबर्नी ऑफ लेजेंड्स जो है वो नहीं होगा और जो रिवार्ड्स उनको मिले थे वो वापस ले जाएंगे। तो एक अच्छी खबर है कि MCOC का जो अकाउंट है वो शायद अनबैंड हो जाए, लेकिन अभी भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। कबाम वाले ने यही बताया है कि जो जिस तरीके से हैक करते हुए पकड़े गए थे और उनके हैक जो वो हैक हटा कर मतलब कह सकते कि वो वाला डेटा मिटाकर दूसरा डेटा लाया जाएगा।